ये मकई है तो मकई की खुट्टी करके खिलाते हैं। ये इधर जैसे कि मक्का नहीं लगता उससे पहले कटिंग हो जाती है, जैसे हम जवार लगाते हैं उस प्रकार से पशु के लिए इधर पानी की बहुत बहुलता है, तो ये जवार मक्की लगा देते हैं। और इधर आप देख रहे हो ये है चने का है ना, ये चने का नहीं है, ये सोयाबीन है ना, सोयाबीन का भूसा है, तो ये सोयाबीन का भी खिलाते हैं। उधर वो पूरी जवार है तो जवार भी खिलाते हैं वो। इस प्रकार से तीन चार प्रकार का यहाँ पे हरा चारा और सूखा चारा पशु को खिलाते हैं गाय को। और दिखाते हैं आपको, ये आप मकई देख रहे हो तो मकई की कटिंग करते हो ना, ये मशीन है ना, तो कम गाय है तो भी इतनी अच्छी व्यवस्था, आराम से यहाँ पे 200 गाय के करीब इस गौशाला में आराम से गाय रह सकती है, पर यहाँ पे अभी 10 या 15 गाय के करीब ही होगी गाय सारी। और ये है खुला, तो शाम के टाइम मतलब पूरा दिन यहाँ पे रहती है ना, खुला खुले में रहती है ना, खुली जगह आप देख सकते हो तो बहुत ही अच्छी है, और पास में खेत है तो आराम से गाय खेतों की हवा में रहती है। गाय का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देख लो ये आप देख रहे हो स्टैंड बना रखी है इधर, ये यहाँ पे डाल देते हैं, हरी कुट्टी भी डाल रखी है इसके अंदर, और मूंगफली का पाला भी डाल रखा है, तो गौ माता सारी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे खा लेती है। और उधर वो पानी की व्यवस्था भी आप देख रहे हो, आराम से खुले में रहती है, और चारा खाने का मन होता है तब ये चारा खा लेती है, और पानी की इनके इच्छा होती है पानी पीने की तो पानी पी लेती है। उधर पानी के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही अच्छा फार्म बना रखा है भैया ने, तो उधर आपको और विजिट करवाते हैं। इधर भैया ये कौन सी ब्लड लाइन के है? ये पावन गिर के अंदर है ना, हाँ। कुंडी सिंह वाली। और ये क्या है जो, ये भी बहुत अच्छी है गौ माता। ये जो गुजरात में ओल्ड ब्लड लाइन थी तो पुरानी ब्लड लाइन वाली गाय है आपको दिखा रहे हैं वो। अभी ये जो आप देख रहे हो ये देखने को बहुत ही कम चांस में मिलती है, और ये वाली है ये भी बहुत ही प्यारी है, इससे अभी मुंह आप इसका ऊपर से सिर उठा हुआ देख सकते हो, कितना ऊपर उठा हुआ है, पूरा ऊपर चला गया है, और इसके सींग भी कुंडी टाइप है, ये भी बहुत प्यारी है। और आपको विजिट करवाते हैं दोस्तों, देख लो आराम से यहाँ पे 200 गाय रह सकती है, पर अभी भैया ने जैसे कि 15 गाय के करीब ही यहाँ पे रख ली है। गोडाउन के पीछे वाला गेट है ताकि सभी गौ माता को अगर यहाँ पे भी सूखा चारा डालना चाहे तो इसको ऊपर करके यहाँ से भी जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि कोई दो आदमी होते हैं, एक आदमी भी होता है तो आसानी से अपना काम कर सकता है। और इस साइड में आप देख रहे हो स्टैंड, मतलब ये बार वाला सेट ऐसे बना रखा है, और इधर की साइड ये एंगल वगैरह लगा रखी है ताकि गाय बाहर ना जाए। और इधर आपको दिखाते हैं, ये थोड़ी सी गौ माता इधर है, इधर भी पानी की व्यवस्था है, तो अभी देख सकते हो ये गौ माता पानी के लिए पास में खड़ी है, और ये वाली है सारी आराम से खुले में रहती है। और ये जो आप देख रहे हो समर फूल है, इसके ये सेल के लिए अवेलेबल है, इसलिए भैया के कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे। और इसके फादर का नाम है सुबोध, और इसके मदर का नाम है भद्रा, और इसके मदर का दूध का रिकॉर्ड है 10 से 11 लीटर के बीच में। तो दोस्तों इस कलर में आप देख रहे हो कलर बहुत ही प्यारा है, और इसकी बछड़िया आपको फर्स्ट में दिखाई थी, बछड़िया भी बहुत ही प्यारी है, कलर के अंदर आप देखे तो रिजल्ट सेम इसी के जैसा रिजल्ट आ रहा है इसका, और बहुत प्यारा है लगा हमें तो। और इसका सिर का उठा हुआ आप देख सकते हो बहुत ही उभरा हुआ है, और इसके सींग की बनावट और कान आप देख सकते हो, कान भी बहुत ही लंबे है, गिर के अंदर सारे गुण गिर में होने चाहिए वो इसके अंदर है, तो इनके पास में रिजल्ट भी अच्छा आ गया है। तो मतलब बोलते हैं ना गौशाला में एक ही तरह का बुल कोई भी नहीं रखता है, सभी जैसे कि पहले उनके पास में बुल होते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है अच्छा खासा, तो उसके बाद में उनको बुल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक ही बुल रखते हैं तो सेम वही रिजल्ट आया मतलब आता रहता है, उस वजह से भैया अभी बुल दूसरा लेके आएंगे और इस बुल को चेंज करना है। हाँ, इस बुल को चेंज करना है। हाँ। तो दोस्तों आप ये खरीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के अंदर, गुजरात में आपको दिखाएंगे द्वारकेश गिर हेरिटेज है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी गौशाला है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल वाली मतलब गिर में टॉप क्वालिटी वाली गायें भी देखने को मिलेगी, और आपको बछड़िया भी अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी, और बुल भी बहुत ही प्यारा है यहाँ का, तो और बुल सेल के लिए भी अवेलेबल है, तो कॉन्टेक्ट नंबर भैया के डाल देंगे, आप किसी को भी चाहिए अगर तो आप खरीद सकते हो। और वो बुल है उसका एक बार आपको बछड़िया दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी प्यारी बछड़िया है यहाँ पे,
ये जो आप दोनों मछलियाँ देख रहे हो ये यहाँ पे एक बुन सेल के लिए है, अमर समर के नाम से नाम है बुनकर। और एक बार ये पास में नहीं आ रही है, डर रही है, तो इसको बता देती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर है मछली का, और टॉप है गिर के अंदर, सिर भी आप देख रहे हो उभरा हुआ एक मछली वो उधर वाली है। और ये वाली भैया के यहाँ पे गौशाला पे पहले दूसरा बोलता हूँ उसका रिजल्ट है। ये सारी बछड़ियाँ आपको विजिट करवा देते हैं पहले, और अभी आपको अभी आप देख रहे हो ये सारे बछड़ियों के रहने की जगह है। और शाम के टाइम पे यहाँ पे गाय बनती है, शाम के टाइम पे गाय बनती है, बहुत ही अच्छा बना रखा है सेट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूंगफली का पाला डाल रखा है गाय के लिए, शाम के टाइम पे गाय खाती है यहाँ पे। और अभी आप देख रहे हो ये नमक है, ये नमक है, नमक भी डाल रखा है ताकि गाय इसको मतलब चाटती रहती है पूरा दिन। और आपको दिखाते हैं गौशाला जहाँ पे गाय, सारी गाय है दूध वाली, बिना दूध वाली, और बुल भी उधर की साइड में है, तो वो भी आपको एक बार विजिट करवा देते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों इस गौशाला में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और साफ सफाई के मामले में आप देखो तो नंबर वन गौशाला है ये। आप देख रहे हो कहीं पे भी मतलब गंदगी वगैरह नहीं हो रही, एकदम साफ सुथरी गौशाला है। आपको बताते हैं पानी पीने की सुविधा इधर है, ये बना रखी है, टंकी बना रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हो पानी कितना शुद्ध है गाय के लिए, और गाय यहाँ पे सारी आ जाती है पानी पीने के लिए। और इधर उधर की साइड में बना रखी है, इस लंबाई आप देख रहे हो 150 फीट के लमसम होगी, और यहाँ पे 3 कुंडी बना रखी है गाय के लिए पानी पीने के लिए। और इधर का भाग भी कर रखे है, आप देख रहे हो ये इंगल वगैरह लगा रखे है ताकि उधर बाहर की साइड ना जाए गाय। और सर्दी के मौसम में भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, और गर्मी का मौसम भी देखे तो भी उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा बना रखा है ये सेट। तो चलिए आगे और विजिट करवाते हैं आपको ये पूरी गौशाला। तो दोस्तों देख लो ये बीच की जगह खुली हुई है ऐसे ही है, और इधर आप देख रहे हो यहाँ पे जो मतलब गौशाला गौ माता को संभालने वाले आदमी रहते हैं, तो उनके ये मतलब ये बना रखा है घर टाइप का। और इधर ये खाना वगैरह पकाते हैं, खाना बनाने के लिए चूल्हा लगा रखा है, आप देख रहे हो ये बर्तन है इस साइड में। और ये है चारा रखने का गोडाउन, तो एक बार आपको पूरी गौशाला स्टेप बाय स्टेप विजिट करवा रहे हैं, तो एक बार आपको गोडाउन बता देते हैं किस प्रकार आप भी ऐसे चारा रखने के लिए गोडाउन बना सकते हो। बहुत ही बड़ा बना रखा है भैया ने, बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, आप देख सकते हो पूरा। बारिश में कितनी भी बारिश आए कहीं से भी गीला नहीं होता है, क्योंकि इतना अच्छी तरह से पैक हुआ है ये, तो आगे पीछे यहाँ पे गाय भी बन सकती है ना, चारा ही रहता है ना, तो भी अगर बांधना चाहे तो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये देख रहे हो बहुत ही अच्छा मूंगफली का पाला है, ये मूंगफली का पाला खिलाते हैं यहाँ पे। और इधर हरे में आप देख रहे हो ये कटर मशीन है, वो हरी मक्की आप देख रहे हो, तो इतना कटिंग करके सभी गौ माता को खिलाते हैं, तो वो है एक टाइम की या एक दिन के लिए गाय के लिए। बहुत बढ़िया है, देख लो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है इस गौशाला में, और गाय की संख्या कम है तो भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अभी टोटल कितनी गाय है? 14 है ना अभी दोस्तों। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि द्वारकेश की हेरिटेज गौशाला आपको कैसी लगी है।